अलहमदिल्लाबी वसलातु वसलामर रसूल करीम अबाद रबी शुरु सदरी वमरी वाहल मिलसानी ऑफ़ कौली असल वरह वक्त वेलकम टू एपिसोड फ़ोर ऑफ़ सूर्य कहाफ़ अल्हमदिल्ला जी अभी तक हमने फोर्टी फ़ाइव आयास कवर कि और एज़ यू कैन सी इफ़ यू हैव फॉलोड द प्रीवियस एपिसोड्स के इज्फान अल्लाह कितनी डेप्थ है सूर कह में विद रिगार्ड्स टू बीइंग एन एंटीडोट फॉर द एज ऑफ फितना देखें कुरान मजीद में इतनी पावर है कि ता तामत आने वाले जितने फितने हैं जितने बातिल निज़ाम हैं एंड एवरी चैलेंज वी फेस इन लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में इतनी पावर है कि हर चैलेंज के सामने कुरान आपको स्ट्रेंथ देगा और लेकिन वो स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब आप कुरान से बहुत एक स्ट्रॉग कनेक्शन डेवलप करेंगे इंशाल्लाह शाह और इस्पेशली यूथ यूथ की मैं इस तरफ तोज्जो दिलाता हूँ कि देखो कुरान बुढ़ापे में जाके सिर्फ ना पढ़ा जाए या तब ना समझा जाए ठीक है आई अंडरस्टैंड के लोग रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है दे अटेंड सम कुरान क्लास ट्राई टू अंडरस्टैंड द कुरान बट मैं आपको रिग्रेट्स बता रहा हूँ उन लोगों के जो काफ़ी एज में जाके कुरान को समझते हैं उनके रिग्रेट्स ख़ुद मुझे उन्होंने बताए कि काश मैंने कुरान को यंग एज में समझा होता जब मेरे अंदर बड़ी एनर्जी थी जब मेरे अंदर करने को बड़ा कुछ था जब मेरे अंदर देने को बहुत कुछ था हैविंग सेड इट किसी भी उम्र में करें अलहमद कुरान की बरक़ात ही बरक़ात हैं एंड गुड किसी भी उम्र में किया जाए तो फ़ायदा है आपकी जनरेशनस को फ़ायदा है बट वाट बेटर कि शादी करने से पहले कुरान समझ लिया जाए और या कम अज़ कम कोई सूरज को समझ लिया जाए सो यूथ आर फुल ऑफ़ एनर्जी और इस सूरत में चूँकि यूथ का जिक्र हो रहा है सो हाईली 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 रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग ज़रूर uh, इस सूरज से भी इन uh, इसकी, इसकी तफसीर भी पढ़ें और ये जो लेक्चर्स हैं ये बस एक मेरी कोशिश है कि इसको इस अंदाज में पेश किया जाए आपके सामने के मॉडर्न चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस सूरा से हमें क्या एंटीडोट और क्या सलूशन मिलता है तो देखें मॉडर्न वर्ल्ड इफ़ यू लुक एट दी मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और जो एक हमने दुनिया में मज़े और आप समझ लें कि एडवेंचर्स और ये सारी एंटरटेनमेंट के जो एवेन्यूज़ हैं वो इस लेवल पे चले गए हैं कि लिटरली एक आम इंसान उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना आप देखें ना स्नैपचैट टिकट इंस्टाग्राम फेसबुक वो रील्स अपॉन रील्स जो चीप डोपोमिन कहते हैं एक है कि फ़ायदा उठाना इंटरनेट से सोशल मीडिया से बट द क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी पीपल एक्चुअली टेक एडवांटेज फ्राम सोशल मीडिया ज़्यादातर लोग अल्लाह माफ़ करें बेहुदा किस्म की रील स्नैपचैट पे टिकट पे बेहुदा किस्म का कंटेंट और फिर ये इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्टेज तो कोशिश करें कि अगर आप कुछ एप्स यूज़ भी कर रहे हैं तो यूज़ देम फॉर दावा इनशा या जॉइन प्रोडक्टिव पेजेस ताकि आपके सामने फजूल चीज़ें ना आए एंड लिमिट योर यूज़ इनशा ठीक है अगर आपने यूज़ करनी है तो एटलीस्ट लिमिट द यूज़ और उन प्लेटफॉर्म्स को तो एप्लीकेशंस को बिल्कुल ही खैर आबाद कह दें जहाँ पे ज़्यादा है ही गलत किस्म का मवाद तो यू हैव टू तो इनशाला लुक आउट फॉर योर सेल्फ़ यू हैव टू तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ़ और इसी फिर देखें कि एक ऐसी दुनिया हमारे सामने बना दी गई है जिसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेसन पूरा होना आ, वो वो बड़ा आसान है प्लेजर की सोर्सेज इतनी ज़्यादा हमने बना दी और मोस्ट ऑफ़ देम आर फॉल्स सोर्सेज ऑफ प्लेजर तो साबित ये हुआ कि जितना इंसान प्लेजर का आदि होता जाएगा उतना उस हकीक़त से दूर जाता जाएगा उस फलसफ़े से दूर जाता जाएगा उस फिलासफ़ी ऑफ लाइफ से दूर जाता जाएगा जो कुरानिक फ़िलासफ़ी है दैट्स वाई कनेक्टेड विद द कुरान इज़ सो इम्पॉर्टेंट आज के दौर में मैं आपको बता नहीं सकता इनफैक्ट अगर यूथ हैं आप और मेरी बात सुन रहे हैं तो अपनी फैमिली में मिसाल कायम करें बिकम द पर्सन इन योर फैमिली टू गो थ्रू द कुरान और आप कह सकें फ़खर से कल को कि मैं जो है अपनी फैमिली में मैंने कुरान मुतारुफ कराया और मैंने इसकी तफसीर मुतारुफ़ कराई सेशन्स कराने चाहिए आपको अपने घर में अरेंज कराने चाहिए सारी फैमिली बैठ के कुरान पढ़े जो फैमिली इकट्ठे कुरान पढ़ती है ट्रस्ट मी, they stay together. में दे स्टे टुगेदर उनमें बहुत शफ़कत होती है रहमत अल्लाह की तरफ से आती है उन रिलेशनस में एंड वॉट बेटर के हजबैंड वाइफ इकट्ठे मिल के कुरान पढ़ें स्फान अल्ला यानी शौक के साथ कोई क्लास अटेंड करें कोई कोर्स अटेंड करें आई अंडरस्टैंड बहुत बिजी होते हैं तो लेकिन कुछ टाइम ज़रूर निकालें अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ कुरने कोई रिफ्लैक्शन अटेंड करें समथिंग लाइक दैट कि कम अज़ कम कुरान के साथ आप कनेक्टेड तो हैं इस्पेली जो मेरे बहन भाई

Uh, जो हैं इसके यकीन करें दीज कॉन्सेप्ट आर नीड ऑफ द टाइम नीड ऑफ़ द टाइम तो अभी जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे हैं पैसेज वर्ड्स नंबर 45 फाइव ओन वर्ड्स हम चलेंगे और अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा स्फान अल्लाह वो प्रिंसिपल्स देखे और वो क्वालिटीज़ देखी जो हम अपने अंदर लाएंगे तो एज ऑफ इतना को हम फाइट कर सकेंगे और हमने जो है आ, वो वो फ्रेमवर्क देखा अभी तक कि जो फ्रेमवर्क हम अडॉप्ट करेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इन ताला हम ज़रूर फितनाद जाल से भी बचेंगे और अल्लाह बचाने वाला है और जनरल जो फितनाज़ हमारे इर्द गिर्द चैलेंजेस हैं उनका भी बेहतर मुकाबला जो है वो कर सकेंगे तो ये जो अभी पैसेज है ये इसका अख्ताम जब हुआ तो दिस इज़ दिकेंड स्टोरी सुर कह सेकेंड स्टोरी जो है वो मैन ऑफ टू गार्डन्स की है जिनके पास बागात थे एक के पास काफ़ी ज़्यादा बागात थे उसको काफ़ी अल्लाह ने माल दिया हुआ था तो वो गरूर कर बैठा और तकबर कर बैठा और अपने आप को सेल्फ मेड समझने लगा डिलूजन में चला गया एंटाइटल्ड फील किया कि आई एम एंटाइटल टू ऑल दिस मैंने तो वो बहुत बड़ा कारनामा किया है और ज़ाहिर है फिर अल्लाह ने बताया कि किस तरह अल्लाह ने उससे वो चीज़ ले ली और फिर वो हाथ मलता रह गया और उसने कहा कि हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करता ये जो स्टोरी है सुफहान अल्लाह इसमें वो जो मटीरियलिज्म एक है कि चलो इस्लाम मना नहीं करता है मटीरियल नॉट ऑल मटीरियल इज बैड इन द सेंस के आपको नेसेसिटीज पूरी करनी है क्वालिटी लाइफ गुजारना में भी कोई हर्ज नहीं है क्वालिटी कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है क्वालिटी गैजेट रखने में लैपटॉप रखने में इनफैक्ट नबी सल वसम ने हैप्पीनेस को एक हदीस में रिलेट किया है एक बड़े घर से स्पेशियस घर से एक अच्छी सवारी से भी हैप्पीनेस को रिलेट किया हमारे नबी ने अच्छी वाइ लाइफ के साथ रिलेट किया हमारे नबी ने ठीक है तो ये चीज़ों को अडॉप्ट करने में हर्ज कोई नहीं है बट ऑबियसली डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑब्सेस नहीं होना अब ये बंदा ऑब्सेस था चूंकि ये ऑब्सेस था तो ये इस लेवल पे चला गया कि ये आहिस्ता आहिस्ता आखरत का भी इनकार करने लगा और यहाँ तक पहुँच गया कि इसकी सोच ये बन गई कि मैं तो बहुत खुश हूँ मुझे तो कुछ कह ही नहीं रहा अल्लाह ठीक है जैसे बनी इसराइल का एक आबद था सॉरी आबिद नहीं था बनी इसराइल का एक शख़्स था वो उस दौर के नबी के पास आया सही हदीस से साबित है वाक़ और उसने कहा उस नबी को कि मैं इतने अरसे से अल्लाह की जो है वो कर रहा हूँ नाफरमानी तो मुझे तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा अभी तक मुझे तो कोई पनिश नहीं किया अल्लाह ने तो अल्लाह ने उस नबी की तरफ़ वही की कि उसे कहो कि अल्लाह तुम्हें इतने सालों से पनिश कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है और वो पनिशमेंट ये है कि तुम्हें तोफ़ीक भी नहीं होती अच्छे माल की ये तुम्हारी पनिशमेंट है और तुम्हारे जहन में भी नहीं आता कि मैं ठीक हूँ कि मैं गलत हूँ बल्कि तुम्हें तुम डिलूज़न में हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो अकबर तो देखिए इतने प्लॉट्स हम बना लें ठीक है ना प्रॉपर्टी बना लें इनहेरिटेंस बच्चों की ज़बरदस्त एवरी थिंग इज़ गोइंग वेल लेकिन हमने ना बच्चों को कुरान सिखाया ना बच्चों को दीन के साथ जोड़ा हमने ना बच्चों को कोई मतलब आप कह लें वैल्यू ऐड की उनकी लाइफ में इन द सेंस के कैरेक्टर उनका कोई बिल्ड करना तो क्या किया हमने यही तो डिलूज़न है और आप देखेंगे कि ऐसी फैमिलीज़ में फिर बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड होता है आगे जाके अल्लाह माफ़ करे और जाहिर हा, हा, हाथ से चीज़ें निकलती हैं तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानी भी पैदा करें हम दुआ गो हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं परेशानियां चल रही, चल रही फैमिली में लेकिन क़ुरान को लेकर आए अपनी लाइफ में स्टिल स्टिल यू हैव टाइम ले कर आएँ और अपने बड़ों की गलतियों से सीखें जिन्होंने मुतारफ़ नहीं कराया दीन को उसरा या कुरानिक टीचिंग्स को तो बहरहाल सेल्फ़ मेड नहीं समझना चाहिए इंसान को अपने आप को सेल्फ सफिशेंट नहीं समझना चाहिए दौलत के नशे में इतना नहीं डूब जाना चाहिए इंसान को कि दूसरों को नीचा देखे और ये कि सिर्फ़ उनसे मुसाफिया करें उनसे मिले जो काम के लोग हैं ऐसे तो लोगों को अल्लाह के नबी ने बहुत वर्स टाइप ऑफ पीपल कहा ना जो सिर्फ अमीरों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि फिर जब बंदा एक्सेसिव मटेरियलिज्म का शिकार होगा तो दैट पर्सन इज़ मोस्ट प्रोन टू द जाल क्योंकि द जाल जो है वो टेस्ट करेगा इंसान को आके कहत साली के थ्रू फिर ये कि रिसोर्स के, के थ्रू फिर जन्नत दो उसके हाथ में ठीक है ना फिर इरीगेशन रेन ये चीज़ें आती हैं फिर सो कॉल्ड मौजाद दिखा के डिलूजन और एलूजन क्रिएट करके फिर ज़ाहिर है कि लोगों को वादे करके मुख्तलिफ पोजिशन के फेम के पावर के ऑल दीज थिंग्स तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके फितने से बचना एंड लेट मी टेल हेयर इन के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फीमेल ऑडियंस के द जाल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा ख़वातीन होंगी और यहाँ तक आता है कि सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने कहा कि एक शख्स अपनी माँ बहन बेटी को जंजीरों के साथ बांधेगा कि वो बाहर ना जाए द चाल के लिए लेकिन दे विल फॉलो द चाल वो फिर भी जाएंगी तो अल्लाह माफ करे बहुत जो है वो मुश्किल सिचुएशन है बड़ा फितना है बहुत प्रेशर है हमारी फ़ीमेल फोक पे यानी मैं देखता हूँ मुझे अफ़सोस होता है कि ज़ाहिर है लोग भी मुझे बताते हैं और कुछ जाहिर ऐसी ख़बरें देखने को भी मिलती हैं स्कैंडल्स भी मिलते हैं कि किस तरह टिकटॉक ने स्नैपचैट या इन ऐप्स ने एक अच्छा ख़ासा घर बर्बाद किया सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन वो वाइफ जो है वीडियोस बनाना शुरू हुई उसने अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले करना शुरू किया और कितना प्रेशर है वोमन फोक पे कि दे हैव टू मेक द वीडियो यानी उनपे उन एज इफ के वीडियो नहीं बनाएंगी तो तो जिंदगी इनकम्प्लीट है अपनी ब्यूटी को डिस्प्ले नहीं करेंगी तो ज़िंदगी इनकम्प्लीट है आई मीन व्हाट टैलेंट इज़ दैट कि बस एक कैमरा सामने रखा और बाल खोले और वीडियो बना दी एंड दैट्स इट व्हाट काइंड ऑफ़ अ टैलेंट इज़ दैट हम क्या टीच कर रहे हैं अपनी जनरेशन को फ्यूचर जनरेशन को बहुत अफसोस की बात है दिस इज़ एग्जैक्टली द फितना कि औरतें सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होंगी अल्लाह माफ़ करे मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि रिजिस्ट नहीं कर पाएंगी ख़ुती अल्लाह माफ़ करे सो प्लीज़ ये बात करने का मकसद डिस्करेज करना नहीं है किसी को ये बात करने का मकसद है कि खुदा के लिए इस चैलेंज को आ, समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को अपनी नस्लों को बचाएं सोशल मीडिया पे आना अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट करना पब्लिकली फ्लॉन्ट करना इसके बड़े डेंजर्स हैं घर तबाह हो जाते हैं अफेयर्स चलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं और गुनाह जारिया जो है वो जारी होता है अल्लाह अकबर और उसके बाद जो है वो इतनी आदत हो जाती है इन चीज़ों की कि फिर इंसान का राह रास् में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसलिए ये फितना है एक बहुत बड़ा चैलेंज है देयर फोर वी शुड रिपेंट और हमें जो है समझाना चाहिए वुमेन uh, फोक uh, को इनशा त और मर्द भी हैं देखिए मर्दों का अलग टॉपिक है वो भी बहुत गलती करते हैं और ये दलील नहीं देनी चाहिए कि मर्द हमें देखते ही क्यों हैं ठीक है ये एक फुलिश दलील है आप दिखाओगे तो मर्द देखेगा सीधी सी बात है और फिर मकसद क्या है वो रील और वो चीज़ें बनाने का तो अल्लाह ताला हिदायत दे अल्लाह ताला जो हम दुआ गो हैं ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस तरफ चली गई हैं और हैव स्लिप्ट तो हम उनके लिए दुआ हैं अल्लाह ताला जो हिदायत भी दे और अल्लाह ताला समझ आता फरमाए तो बहरहाल बी केयरफुल दिस इज़ क्रैक्स क्योंकि द जाल को रज़िस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी साइड पर जा रही हैं या कोई जा रहा है तो बहरहाल ये एंटीडोट स्टोरी में कि एक्सेसिव मटीरियलज़म का शिकार नहीं होना है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और वो कॉन्सेप्ट क्या है वह जरबिला हयात दुनिया कमा इन अनहु इन फ़ख्तअल तबी नबातल फ़स वहा हशीमन रिया व तज्रिया वक़ान कुल्ली इन मुख्तदरा एंड प्रजेंट टू दैम द एग्जाम्पल ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इट बीन लाइक रेन

अल्लाह की तरफ से है रिस्पेक्ट अल्लाह की तरफ से है इंसानों के दिलों में मोहब्बत डालना यह बदनामी है यह कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आप मशहूर हो जाए मशहूरी का मतलब ये नहीं होता रिस्पेक्ट करने लग गए लोग बदनाम होते हैं लोग और अल्लाह माफ़ करें ये लोगों लोगों का व्यू बेसिकली मेजॉरिटी का जो व्यू है आपके बारे में वो अल्लाह का भी व्यू होता है ये हदीस से साबित है एक जनाजा गुजरा था अल्लाह के नबी वसम ने कहा कि सारे लोग कह रहे थे बहुत अच्छा इंसान था नेक इंसान था अल्लाह के नबी नबीम ने कहा जो ये कह रहे हैं वही है यानी अल्लाह इसके साथ इसी तरह जो है वो पेश आएगा क्योंकि लोग का जो ओपिनियन है श्ला वही जो है अल्लाह ताला फिर वही मामला करेगा आप सोचें लोग आपके बारे में कहें ठीक है ना कि ये ऐसा है ये वैसा है ये ऐसी है और ज़्यादा लोग कहें मैं ये नहीं कह रहा कुछ लोग बहुत फुलिश होते हैं वो गलत कमेंट्स करते हैं लेकिन अच्छे खासे समझदार लोग आपके खिलाफ हैं तो फिर प्लीज़ बी और ख्याल करना चाहिए इसका तो बहरहाल हाल बन के सब उड़ जाएगा रियालिटी यही है और एंड में बचता कुछ भी नहीं है उसके बाद रिग्रेट बचता है तो अल्लाह ताला समझ की तोफ़ी ता फरमाए अलमाल वलबन जीना तो हयात दुनिया वलबाक़ियात सालत खैरिंदा रब्बी का सवाबन व ख़ैरामला वेल्थ एंड चिल्ड्रन आर नथिंग बट एडॉनमेंट ऑफ दिस वर्ल्डली लाइफ बट द एंडिंग गुड डीड्स आर बेटर टू यू टू योर लॉर्ड फॉर रिवॉर्ड एंड बेटर फॉर वन होप्स अल्लाह ये आया इसको तो जब आप शादी करें तो इसको अपने विज़न में आप जब शादी करें तो इसको मियाँ बीवी दोनों इंशाला शुरू में बच्चे पैदा करने से पहले इस आयत को विजन बनाकर लिखें और इस आयत को इनफैक्ट लिख के कमरे में लगाएं कि माल और औलाद जीत है दुनिया की अल्लाह कहता है जीनत है अच्छी लगती है और एडोन करती है चीज़ों को बट वल बात तो सवाहत लेकिन जो बाकी रह जाने वाले नेक माल है खैरिंदा रबी का सवाबन व नमला वो खैर वाले हैं बेहतर हैं तेरे रब के हाँ फॉर रिवॉर्ड एंड बेटर फॉर वन होप कि उम्मीद के, के हवाले से वो बेहतर है तो देखें विजन ये सेट करें कि हमने ठीक है दुनिया में भी आगे जाना है विजन सेट करना है अल्लाह ताला देगा दुनिया भी इंशाल्लाह बट नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ आखरा नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ गुड डीड्स तो ये विजन सेट करने वाली जो है वो आया फॉर मैरिड कपल्स इन शाह ताकि शुरू में ही मामला जो है वो ठीक हो जाएँ और जब ये विज़न आपका होगा तो आप जब औलाद इनशाला आपकी होगी और जब माल देगा अल्लाह ताला, ताला आपको आप उसको बहुत इंटेलिजेंटली स्मार्टली सही जगह पे स्पेंड करेंगे और फिर अल्लाह मज़ीद देगा इन ओके तके वोम नसैर जबाला व तरल और ज़ब व वह शर्नाम फ़लम नगादर मिनहुम अहदा और पीछे आयत एक और बात ऐड कर दूं कि बाकी रह जाने वाले जो अमाल हैं उसकी लिस्ट बनाइए क्या है वो सबसे पहले सदका जारिया औलाद है आपने मर जाना है सौ साल बाद वेड यू विजुलाइज़ योर सेल्फ़ कबर में बरज़् में पीछे कौन है औलाद पोते पर पोते इनशाला नवासे वगैरह वगैरह क्या कर रहे होंगे वो क्या आपकी सिखाई हुई कोई टीचिंग्स होंगी जिनका रिवॉर्ड आपको मिल रहा होगा ये है क्वेश्चन इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल जिक्र है इसी तरह बाकी रह जाने वाले अमाल कोई चैरिटी की हुई है ऑन गोइंग चैरिटी है बाकी रह जाने वाले अमाल कोई इल्म हासिल किया इल्म दूसरों तक फैलाया ठीक है किसी को कोई बात सिखाई तो लिस्ट बनाए बाकी रह जाने वाले अमाल में इनशाला फिर अल्लाह कहते हैं वॉन ऑफ द डे वैन वी विल रिमूव द माउंटेन्स एंड यू विल सी दी अर्थ प्रोमिनेंट एंड वी विल गैदर दैम एंड नॉट लीव बिहाइंड फ्रॉम दैम एनी वन और ये है वो बात जो आपको इन बार, बार रिमाइंड कराएगी कि ये आर्जी है ये सब कुछ और फिर वीजो अला रबी का सफ़न लकत जी तुम्नकम खलकनाकम अमर बल तुम बल्ज़म तुम अल नज़म मोहदा एंड दे विल भी प्रजेंटड बिफोर योर लॉड इन रोज़ यू हैव सर्टनली कम टू अस ये अल्लाह कहेंगे कि आ गए तुम हमारे पास जिस तरह हमने पहली बार तुम्हें बनाया था यानी खड़े हो आज तुम हमारे सामने लेकिन तुम लोगों ने तो ये क्लेम किया था कि आ, बल बल्ज तुम अल नज अल्लाक मोहदा के हमारे साथ तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना ही हमें दोबारा खड़ा किया जाएगा अल्ला अकबर तो ये देखें ये आयास डायरेक्ट हिट करती हैं हमारे उन डोप सेंटर्स को कि सीधे हो जाओ थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो ठीक करो और फिर ये आया देखें कितनी खूबसूरत और एंटीडोट है वह वज़ी अल्किबोरल मुजरमीना मुशफ़ीना मम फ़ी वक़ूलूना या लेतना माली हाजल किताब एंड द रिकॉर्ड ऑफ डीड्स विल बी प्लेस्ड ओपन उनके सामने उनकी किताब पेश की जाएगी और ये तो आज देखें ना फेसबुक की टाइमलाइन आपके सामने है अभी आपकी फेसबुक आप शुरू से शुरू हो एक्टिविटी लॉग आ जाएगा क्या किया कब क्या शेयर किया किसको फ्रेंड किया कौन सा पेज लाइक किया कौन सा अनलाइक किया तो अल्लाह के लिए आसान नहीं है जो एल्गोरिदम डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर हैं जो अटेंशन इंजीनियर हैं उनके पास एक एक सेकेंड की आपकी एक्टिविटी है कि इंटरनेट पर आपने क्या किया तो अल्लाह तला लाइफ की एक्टिविटीज नहीं ला सकता है लाएगा अल्लाह हाथ में पकड़ाएगा और अल्लाह करे हमें राइट हैंड में मिले क्योंकि अल्लाह कहता है ना कुरान में कि राइट हैंड में जिनको मिलेगा उनके चेहरे खुश होंगे लेफ्ट हैंड में जिनको अल्लाय माल मिलेगा वो किताब दी जाएगी अल्लाह अकबर उनके चेहरे डार्क पड़ जाएंगे अल्लाह ताला बचाए तो बहरहाल जब उन्हें वो उनका बुक ऑफ डीड्स रिकॉर्ड ऑफ़ डीड्स दिया जाएगा उनके हाथ में तो क्रिमिनल्स की बात करते हैं मुजरमीन के अल्लाह ताली के वो इनतहा फियरफुल होंगे ऑफ़ दैट विद इन इट क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें तो क्राइम्स ही क्राइम्स होंगे अल्लाह माफ़ करे इस नामा माल में एंड दे विल से ना या व लतना या व लतना माली हाज़ल किताब हाये ये कैसी किताब है ला युगा व ला कबीरतन असहा इसने कुछ भी नहीं छोड़ा ना कोई छोटी बात ना कोई बड़ी बात यह किस तरह का रिकॉर्ड है अल्लाकबर और याद रखें कि जैसे गालिबन हज़रत आयशा सदीक़ा का कॉल है और दीगर साहबा का कि अगर अल्लाह ने तुम्हारा हिसाब लेना शुरू कर दिया तो तुम गए तो ये ही बस इंसान को इसी से डरना चाहिए कि अल्लाह ने मेरा हिसाब शुरू कर दिया ठीक है ना तो अल्लाह ताला जो है वो बस हमें नेकमाल करने की तौफीक दे वजह दो माँ अमीलो हाजरा वाला यजलिमू रब्बू का एंड दे विल फाइंड वट दे डिड प्रजेंट एंड योर लॉर्ड डज इन जस्टिस टू नो वन जो कुछ उन्होंने किया वो आज उनके सामने रखा जाएगा अल्लाह के तो ये देखें ये बड़ी शेक करने वाली जो है ना वो आयात है अब जो पैसे जा रहा है एक तो हज़रत मूसा इस्लाम की भी स्टोरी शुरू होने वाली है और इससे पहले कुछ अल्लाह तौहीद का दोबारा से बयान किया और इब्लीस का भी जिक्र यहाँ हो रहा है वाइसकुल्लामलाकत इस जदोल आदमा फ़सद इबलीस के याद करो जब एंजल्स को कहा गया कि आदम को सजदा करें तो सब ने किया सिवाय इबलीस के का निनल जिन्नी फफसा का अन अमरी रबी इब्लीस एक जिन है एंजल्स की गैदरिंग में बैठता था तो ज़ाहिर एंजल्स की सफ़ों में उठता बैठता था तो इसलिए अल्लाह ने उसको एंजल्स के हवाले से ही यह हुक्म दिया था जो एंजल्स को हुक्म दिया था तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया क्योंकि का मिनल जिन्नी फफसा का अन अमरी रब् वो अपने रब के अमर से निकल गया फ्री विल थी उसके पास हसद ने उसे निकाल दिया अफिजूना वो हूँ अलिया अमिन दूनी वहम लकुम अदुब बेसलना बदला तो क्या तुम उसे और उसकी औलाद को जो है वो लेते हो अलियाज एज मददगार मिन दूनी वहम लकुम अदब अल्लाह के अलावा जबकि वहम लकुम अदू जबकि वो तुम्हारे खुले दुश्मन हैं बेसलज़ वालमीना बदला रैचिड इट इज़ फॉर द रॉन्ग डूअर्स एज़ एन एक्सचेंज नजम की आयत में सूर्य नजम जो है, सूरा में उसमें एक आ, उसकी तफसीर में इमाम ने कसीर एक वाक़ा लेकर आते हैं कि फ़तेह मक् के मौके पर खालिद बिन को नबी ने नेज्जा उसका जो मंदिर था जो भी टैंपल था वो डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया और उसका बुद्ध तो खालिद बिन वलीद जो है वो नखला की जो वादी है वहाँ पर गए तो तीन दरख्तों के दरमियान वो एक हाउस सा उन्होंने बनाया हुआ था वहाँ पर उजा का बुद्ध था खालिद बिन वलीद ने जाके डिस्ट्रॉय किया उस टेंपल को तो वापस आकर बताया अल्लाह के नबीम को कि मैंने कर दिया है तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ वापस जाओ तो ख़ालिदिन वलीद वापस गए और ख़ालद बिन वलीद ने क्या देखा कि वहाँ जो कुछ लोग थे वो अभी तक उजा के वो को पुकार रहे थे और ख़ालदन वलीद ने उस जगह पर देखा एक नेकड वुमेन को और वो उसके लंबे लंबे बाल थे और वो अपने सर पर मट्टी फेंक रही थी तो वो एक चुड़ैल थी आ, उसका जो जिक्र आता है जो अल्फाज हैं वो शैताना के, आ, के अल्फाज एक फ़ीमेल जिन थी डेवल जिसे कहते हैं तो बिन वलीद ने फिर उसको मारा उसको कत्ल किया तो साबित ये हुआ और देखें ये कुरान से भी साबित है अल्लाह आलमीन कुरान में हमें बताते हैं कि ये लोग नहीं इबादत करते बुत की बल्कि उस बुत में एक रेबेलियस डेविल है और बाकायदा ना ये फीमेल डाइटीज़ को पुकारते हैं लेकिन वो फीमेल डाइटिस को नहीं पुकार रहे वो असल में एक रेबेलियस शैतान है उसको पुकारा जा रहा है तो ये शैतान जो है अपनी इबादत इनडायरेक्टली करवाता है अपनी औलाद को इसने छोड़ा हुआ है जाहिर है बड़े बड़ी जगहों पर बुतों के पीछे टेम्पल्स में लोगों को हो सकता है कोई अजीबो चीज़ भी विटनेस कराई जाए उससे वो लोग और इंप्रेस हों कि वाह क्या बात है तो इसलिए इंसानों को अल्लाह वार्न कर रहा है कि शर्क की तरफ मत जाओ और इब्लीस और उसकी जो औलाद है जो जाहिर है उसकी आ, वो डेविल की जो औलाद है उसके हवाले से बीवेयर कि वो तुम्हें शिरक़ की तरफ जो है वो रागब करेगा तो ये बहुत ज़रूरी है समझना और अल्लाह ताला इसलिए हमें शर्क से बचाए मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान भी इस चीज़ का शिकार है सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे, पे मैं बात करूँ दीगर मज़ाहब की हिंदुज़म की मुसलमान भी अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल वही हरकतें करते हैं जो देख के यकीन नहीं आता यानी क़ब्रों को सजदा फिर ज़ाहिर है मज़ारात पर जाके जिस जिस तरह की अजीब व गरीब चीज़ें जो कहीं से साबित नहीं हैं तो अल्लाह माफ़ करे शिरक आपको पता है फिर किस तरह सराहत करता है इंसान के अंदर पता भी नहीं लगता इसलिए प्लीज़ अपने अकीद को ठीक रखें और याद रखें कि दाल भी शैतान का करिंदा होगा बहुत बड़ा और द जाल के साथ शयातिन होंगे शयातिन की पूरी फोर्सेस मैंने आपको शुरू में बताया था उसके पास विच क्राफ्ट भी होगी ब्लैक मैजिक और बड़ा स्ट्रॉन्ग पोटेंट मैजिक और शयातिन की पूरी फोर्स होगी उसके साथ इसलिए बी वेयर मा अशत तुम खलक समावाती वालर्जी वाला खलका अनफुसिम वमा कुन्तु मुतखल मुजलिन अजुदा अल्लाह कहते हैं मैंने इन्हें विटनेस नहीं बनाया क्रिएशन करते हुए ज़ाहिर है कुरैश इल्ज़ाम लगाते थे अल्लाह माफ़ करे कि ये जो जन्नात जिनकी हम वर्शिप करते हैं आपको पता है कि जो अरब्स थे वो जन्नात की वर्शिप करते थे वो किसी डेजर्ट में दाखिल होने से पहले वादी में दाखिल होने से पहले उस वादी के जिन को पुकारते थे शैतान को पुकारते थे अल्लाह माफ़ करे और उससे पनाह मांगते थे ठीक है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इन्हें शामिल नहीं किया अपनी क्रिएशन में ना ही ये विटनेस कर रहे थे क्रिएशन को ये तो ख़ुद क्रिएटेड है तो एंड आई वुड नॉट हैव टेकन द मिस गाइडर्स एज इस अल्लाह कहते हैं कि मैं मिस गाइडर्स को असिस्टेंट्स नहीं लेता ठीक है ना अल्लाह ताला जो है वो अपनी तोहद बयान कर रहा है और फिर अल्लाह कहते हैं वो यौम यकुल नादु शुरका अज़ीना ज़ा तुम फद फ़लम यस तजीबलम जल्ला बहन मोबिका एंड वॉन्ट देम ऑफ द डे व्हेन ही विल कॉल व्हेन ही विल से कॉल माय पार्टनर्स होम यू क्लेम एंड दे विल इन्वोक देम बट दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू देम एंड वी विल पुट बिटवीन देम अ वैली ऑफ डिस्ट्रक्शन तोहद बयान हो रही है देखें एंटीडोट बहुत बड़ा एंटीडोट फितना दजाल में तो इन शह अपने अकीदों पर काम करें और अल्लाह समाता को पहचानें अल्लाह ताली की ख़ालस ख़ालस अल्लाह ताली की इबादत करें खालस अल्लाह ताली से मदद मांगें अल्लाह पर तवक्ल करें अल्लाह का जिक्र करें और जाहिर है ये जो सारे आगे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और फिर अल्लाह बयान करते हैं क्विकली बताता हूँ कि जो मुजरिमून हैं उन्हें जब आग दिखाई जाएगी तो वो सर्टन हो जाएंगे कि अब वो वहाँ पर गिरने वाले हैं और कोई भी उन्हें जगह नहीं मिलेगी वहाँ से भागने की आ, ला माफ़ करे और फिर अल्लाह ताला बहुत ही हमें ख़ूबसूरत एक बात अल्लाह ने देखें एक आयत से समझाई वाला कसर रफ नफ़ी हाज़ल मिन कुल्ली मसल वक़ानसान अक्सर इन जदाला हमने कोई मिसाल नहीं छोड़ी इस कुरान में इंसान को समझाने के लिए लेकिन इंसान इतना बदबकत है और इंसान इतना झगड़ालू है कि हर बात में बहस करता है हर बात में झगड़ा शुरू कर देता है तो ये है हमारी बदकिस्मती कि मिसालें ही मिसालें हैं हर चीज़ समझाई गई है लेकिन वी आर वेरी आर्गुमेंटेटिव। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई भी चीज़ ने इन्हें प्रिवेंट नहीं किया आयत है नंबर पचपन है ईमान लाने से जबकि गाइडेंस इनकी तरफ आ चुकी है और इसतफार करने से एक्सेप्ट इसके कि वो ये कहें कि देर मस्ट बिफॉल दैम दी एक्स्टम प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर्मर पीपल और दैट द पनिशमेंट शुड कम डायरेक्टली बिफोर इल्ला बल्कि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हमें पनिश नहीं किया जाएगा हमने बात नहीं मानी अल्लाह माफ़ करे ढीठ पन की हद तक जो है वो इंतहा है क्योंकि इंसानी ये रवैया है इंसान जो है जब ढीठ पन पर आए तो फिर हदें पार करता है अल्लाह माफ़ करे और इंतज़ार करता है कि पनिशमेंट आए पनिशमेंट आए तो इस डगर पे ना जाएं अपने आप को बचाएं इस्तफफार इसीलिए डेली इस्तफार करें ताकि हम इस डगर पे जाएं ही ना प्रॉफिट सौ बार इस्तफार करते थे एक हदीस के मुताबिक ज़्यादा ज़्यादा इस्तफार करें और फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने नहीं भेजा मैसेंजर्स को आयत नंबर छप्पन एक्सेप्ट एज़ ब्रिंगर्स ऑफ गुड टाइडिंग्स अबश्रीन व मुनजरन वार्निंग देने के लिए और बशारत देने के लिए और वो लोग जो कुफर करते हैं वो डिस्प्यूट करते हैं फॉल्स को टू इनिडे फॉल्स लाकर डिस्प्यूट करते हैं बातें लाकर इनवैलिडेट करने के लिए हक को ट्रुथ को और वो उन्होंने वत द खुजू आयाती वमा उनजुबा उन्होंने मेरी आयात को मजाक में ले लिया यानी वार्न होने की बजाय वो रिडिक्यूल करते हैं अल्लाह माफ़ करे मेरी आयात को और फिर अल्लाह ताला मज़ीद इंसान को रिमाइंडर्स देते हैं कि कौन है सबसे ज़्यादा ाल सिवाए उसके जिसको रिमाइंड कराया गया मेरी आयात से कि अल्लाह रबुलमीन की तरफ पलटो लेकिन वो फिर गया और उसने भुला दी वो आयात और जो भी उसके हाथ हाथ के अमाल थे वो उनसे गाफ़िल हो गया उन अमाल से और फिर अल्लाह कहते हैं कि इन्ना जल्ला अला कुलूबिम अकी यफ़ हु वफ़ी आज़ान वक़रा इसीलिए हमने इसके दिल पे पर्दा डाल दिया है ताकि ये समझ ना ले और इसके कान जो है वो सुनने से कासिर हो चुके हैं यानी ये बहरे हो चुके हैं ये लोग ऐसे ही नहीं हुए उनकी हरकतें ऐसी थी कि दे डिजर्व दिस ठीक है अल्लाह ऐसे दिलों पे पर्दा नहीं डालता अल्लाह ताला बहुत चांसेस देता है बहुत चांसेस देता है उसके बाद फिर अल्लाह ताला भुला देते हैं उस इंसान को अल्लाह को कोई परवाह नहीं वो कहाँ जाके मरे किस वादी में मरे अल्लाह अकबर तो ये कितनी बड़ी पनिशमेंट है और फिर अल्लाह कहते हैं वाइन तद उम हुदा फ़लें यह तद उज़ा नबादा एंड इफ़ यू इन्वाइट देम टू गाइडेंस दे विल नेवर बी गाइडेड दैन एवर लेकिन फिर अल्लाह सुमान अपनी मर्सी को भी जो है वो मैंशन करता है व रबुक़ूरज़ुररहमा आयत नंबर अठवंजा फिफ्टी एट लव यू आ खिज़ हम बेमा का सबूल और तेरा रब बहुत माफ़ करने वाला है फुल ऑफ मर्सी है इफ़ वर टू इम्पोज ब्लेम अपॉन देम फॉर वट दे अर्न ही वुड फॉर देम द पनिशमेंट रादर फॉर रॉर दैम अपॉइंटमेंट प्रॉमच दे विल नेवर फाइंड एन एस्केप और यही बात अल्लाह सुन तुरह नहल आयत नंबर इकसठ में की चैप्टर सिक्सटीन विक्सटी वन के अगर तेरा रब पकड़ने पे आए एक इंसान दुनिया में ज़िंदा ना बचे अल्लाह अकबर तो अल्लाह तो अल्ला ताला चांसेस देता है तो अल्लाह हमें चांसेस दे ही जा रहा है हम उन चांसेस को मजाक ना समझें और उन चांसेस का फ़ायदा उठाएं इसी पे हम आज की बात ख़त्म करते हैं इन शह मूसा अली इस्लाम की स्टोरी आएगी और जो है वो जुल्कर नैन अली की दैट विल बी द लास्ट एपिसोड आपसे मुलाकात होती है चांसेस का फ़ायदा उठाएं सांसें चल रही हैं और अल्लाह हमें मौाक़ों पे मौाक़े दे रहा है रमज़ान इज़ अ ग्रेट चांस टू गेट फॉरगिवन माफ़ कराएं अपने आप को वरना बदबख्तों में हमारा नाम लिखा जाएगा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस्तग़फ़ार करने की सफ़ानकलौी हमदी का शदुल्ल तस्वूब वसलम व वक्त